ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर सुबोध कुमार बंगाल पुलिस के रडार पर हैं। राज्य जोनल ऑफिस में लंबे समय तक डिप्टी डायरेक्टर रहे सुबोध कुमार का बीते माह ही ओडिशा ट्रांसफर हुआ था। जानकारी के मुताबिक बंगाल पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने सुबोध कुमार को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत समन किया है। आज ओडिशा जाकर बंगाल पुलिस सुबोध कुमार का बयान लेगी। बंगाल पुलिस ने अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कई डिजिटल डिवाइसेस और मोबाइल जब्त किए थे। जब्त मोबाइल में कई व्हाट्सएप चैट में पीआईएल के बदले पैसों के लेनदेन के सबूत मिले थे। मोबाइल चैट से ही जानकारी मिली है कि कई अलग अलग तरह की पीआईएल के लिए ईडी के रांची जोनल ऑफिस में पोस्टेड रहे सुबोध कुमार ने दस्तावेज मुहैया कराए थे। बंगाल पुलिस ने चैट को संदेहास्पद माना, ऐसे में उन्हें समन किया गया है। अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब डिप्टी डायरेक्टर ईडी भी अब रडार पर हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।